अमेरिका में 13 जुलाई को हुई एक बड़ी घटना ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। गनीमत रही कि पूर्व राष्ट्रपति की जान बच गई। बताया जा रहा है कि हमलावर ने काफी दूर से ट्रंप पर गोली चलाई थी, जिसके चलते गोली ट्रंप को सीधे तौर पर आकर नहीं लगी। घटना के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले की पूरी कहानी बयां की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर बताया कि हमला कैसे हुआ। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया भी अदा किया। ट्रंप ने कहा कि मैं पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान मुझ पर हुए हमले के बाद तुरंत कार्रवाई करने के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और समस्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धन्यवाद देता हूँ। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे इस हमलावर के बारे में कुछ नहीं पता, हालांकि अब उसे मार गिराया है। उन्होंने कहा कि मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी, सनसनाहट महसूस हुई और गोलियों की आवाज सुनकर मैं तुरंत समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है। फिर मुझे तुरंत महसूस हुआ कि गोली मेरी त्वचा को छूकर निकल गई, काफी खून निकल गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या कुछ हो रहा है, ईश्वर अमेरिका की रक्षा करे। सीक्रेट सर्विस से मिली जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान करीब 6:15 पर एक संदिग्ध हमलावर ने रैली स्थल के बाहर किसी ऊंची जगह से स्टेज की तरफ कई गोलियां चलाई। हालांकि हमले के तुरंत बाद ही अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कर्मियों ने हमलावर को मार गिराया। संघीय एजेंसी ने तत्काल सुरक्षा उपाय किए। फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षित है। इस हमले में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल घटना की जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि पेंसिल्वेनिया में आयोजित ट्रंप की चुनाव प्रचार रैली में हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। कई टीवी चैनल पर इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा था। रैली के दौरान जैसे ही ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी, सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा घेरे में ले लिया। हालांकि अधिकारियों के साथ जाते समय ट्रंप ने ऑडियो फीड के जरिए अपने समर्थकों से कुछ कहा था। मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के शुरू होने से 2 दिन पहले ये हैरान कर देने वाली घटना हुई है, जहां ट्रंप औपचारिक तौर पर पार्टी के उम्मीदवार बनने वाले हैं।